नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जीके गुरु में। आज से आपकी ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई हैं, और हम ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो सबसे पहले राजस्थान की झीलों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, झील किसे कहते हैं? जल का ऐसा संग्रहण जिसके चारों ओर कोई पर्वत, पठार या स्थलीय भूभाग स्थित होता है उसे झील कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले में पाई जाती हैं। इसलिए राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। बात करते हैं अपन भारत की, तो भारत में सर्वाधिक झीलें श्रीनगर में पाई जाती हैं। इसलिए भारत में झीलों की नगरी। श्रीनगर। बात करते हैं हम विश्व की, तो विश्व में फिनलैंड के अंदर सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है, तो इसलिए विश्व की झीलों की नगरी या विश्व में झीलों की नगरी या हजार झीलों की भूमि जिसे फिनलैंड में कह सकते हैं। राजस्थान में खारे पानी की तथा मीठे पानी की दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलों में भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैसलमेर झील से हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसलमेर झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। और इसी जैसलमेर झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। या इसी जैसलमेर झील को ढेबर झील भी कहते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तथा भारत की दूसरी बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील बात करते हैं अपन प्रथम की, कि प्रथम झील कौन सी है? तो प्रथम झील है गोविंद सागर रोपड़ पंजाब में, जो प्रथम कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब हो गया मानव द्वारा निर्मित। अब इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो सर्वप्रथम बात करें 1685 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके इस जैसलमेर झील का निर्माण कराया गया। जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बना। अब इसके बारे में जो अन्य तथ्य हैं वो हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है वो देखो, तो देखो दोस्तों वो शानदार ट्रिक है आपकी, आई जय जय बाबा भील मेणी प्यारी श्यामपुरा की भाट
रुठी रानी का महल उदयपुर में। दोबारा देखना, आपकी ट्रिक है आई जय जय बाबा भील मीणी प्यारी श्यामपुरा की भाट रुठी रानी का महल उदयपुर में। सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे, तो जैसे हो गया जय समंजीव, जैसे हो गया जय समंजीव, और इसी जैसे हो गया जैसी, इसी जैसे हो गया जैसे, जैसे जय समंजीव और जैसे जयसिंह। बात करते हैं अपन बाबा भील मीणी प्यारी, तो इस झील के समीप 7 टापू बने हुए हैं, या इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, और इन्हीं 7 टापों के ऊपर भील मीणी, भील और मीणा जनजाति निवास करती है। भील और मीणा जनजाति निवास करती है। बात करते हैं अपन बाबा और प्यारी, जैसे जैसमंजीव, जैसे जयसिंह। अब भील मीणा, भील मीणा का मतलब हो गया जो इस झील के समीप 7 टापू बने हुए हैं, इन्हीं 7 टापों के ऊपर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। तो भील और मीणा जनजाति का जो ट्रिक का विश्लेषण है वो हो गया। बात करते हैं अपन बाबा और प्यारी की, तो जो ये 7 टापू बने हुए हैं इसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा, बाबा का मतलब हो गया बाबा का भाकड़ा, सबसे बड़े टापू, तो सबसे बड़ा टापू हो गया बाबा का भाकड़ा। और आई, इसी बाबा का जो भाकड़ा है इसी के ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट होटल, इसी जो बाबा का भाकड़ा है इसके ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है। जो आरटीडीसी के द्वारा संचालित की जाती है। और प्यारी, तो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी, सबसे छोटा टापू वो हो गया दोस्तों प्यारी। तो ऊपर वाली जो लाइन है उसका विश्लेषण हो गया है, जैसे मतलब जैसमंद, जैसे हो गया जयसिंह, तो जैसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, जयसिंह। अब बाबा भील मीणी प्यारी, इस जो जैसमंद झील है उसके समीप 7 बड़े टापू बने हुए हैं जिनके ऊपर भील मीणी, भील और मीणा जनजाति निवास करती है। अब बाबा, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा, जिसके ऊपर आई, आई का मतलब हो गया आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है जो आरटीडीसी के द्वारा संचालित की जाती है। अब प्यारी, प्यारी का मतलब हो गया सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। अब नीचे वाले की बात करते हैं, तो श्यामपुरा की भाट रुठी रानी का महल उदयपुर में, तो श्यामपुरा और भाट ये जो दो नहरें हैं 1950 ईस्वी में निकाली गई, जैसमंद झील से श्यामपुरा और भाट दो नहरें निकाली गई है जो 1950 में निकाली गई थी। बात करते हैं हम रूठी रानी, तो इसी महल के समीप पहाड़ी पर रूठी रानी का महल स्थित है। रूठी रानी का महल कौन सी झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों, तो जैसमंद झील के किनारे पर। और जो रूठी रानी का मुख्य महल है वो मुख्य महल है तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर में। अब बात होती है महल की, तो महल का मतलब हो गया दोस्तों चित्रित हवा महल, चित्रित हवा महल। तो चित्रित हवा महल कहां पर, कौन सी झील के समीप स्थित है, तो वो है जैसमंद झील के समीप। ये आपकी जैसमंद झील क्लियर हो गई है। एक बार दोबारा देखना है आपको राजस्थान की झीलें, राजस्थान की सर्वाधिक झीलें पाई जाती है उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, इसलिए भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक झीलें फिनलैंड, इसलिए विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड को कहा जाता है। बात कर रहे थे हम जैसमंद झील की, तो जैसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद झील है, तथा भारत की दूसरी, भारत की
दूसरी झील भी जैसा मंजिल है। बात करते हैं अपन प्रथम की, तो प्रथम है गोविंद सागर झील रोपड़ पंजाब, जो भारत की प्रथम कृत्रिम झील है। अब इसके निर्माण के बारे की बात करते हैं, तो निर्माण इसका सर्वप्रथम 1685 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा जय सिंह के द्वारा गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके किया गया था। तो दोस्तों अब इस झील के समीप जो अन्य जो तथ्य हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। तो ट्रिक है इसकी, आई जय जय बाबा भील मीणी प्यारी, श्यामपुरा की भाट, रूठी रानी का महल उदयपुर में। आई जय जय बाबा भील मीणी प्यारी, जैसे हो गया दोस्तों जैसमन झील, और जैसे हो गया जय सिंह, तो इसलिए जैसमन झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया। अब बाबा भील मीणी प्यारी, अब बाबा और प्यारी, इस झील के समीप 7 बड़े टापू बने हुए हैं। इन सभी टापुओं के ऊपर भील मीणी, भील और मीणा जनजाति निवास करती है। तो बाबा सबसे बड़े टापू का नाम, बाबा का भांकड़ा, जिसके ऊपर आई, आई का मतलब हो गया आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है, और प्यारी सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। तो श्यामपुरा की भाट, रूठी रानी का महल उदयपुर में। श्यामपुरा और भाट, इस जैसमन झील से श्यामपुरा और भाट दो नहरें निकाली गई हैं सन 1950 ईस्वी में। बात करते हैं हम रूठी रानी की, तो रूठी रानी का महल जैसमन झील के समीप स्थित है। तथा बात है महल की, तो महल चित्रित हवा महल कौन सी झील के किनारे पर स्थित है, वो है हमारी जैसमन झील के किनारे पर स्थित है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो के बारे में कुछ कमेंट्स वगैरह करनी है आपको, अच्छा लगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और भी कुछ इसमें जानना है तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद।